महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घमासान के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा, एनसीपी का कौन सा गुट असली है ये तय करना होगा। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ याचिकाएं आई हैं, पहले विधानसभा सचिव अपने स्तर पर इसकी जांच करेंगे, उसके बाद हम इस मामले में विचार कर फैसला करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा, सोमवार को हमारे पास एनसीपी के दोनों गुट से आवेदन आए हैं, लेकिन पार्टी में विभाजन की कोई याचिका नहीं मिली है। इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन निर्णय लेने में देरी भी नहीं करना है। हमें यह फैसला करना होगा कि एनसीपी सत्ता में है या नहीं। हमें यह भी देखना होगा कि एक राजनीतिक दल के रूप में एनसीपी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। हमारी कोशिश है कि जल्दबाजी में किसी दल के साथ अन्याय न हो। शरद पवार गुट ने अपने भतीजे अजीत पवार समेत मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 विधायकों को अपात्र करार देने के लिए आवेदन किया है। वहीं अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जयंत पाटिल और नए विपक्ष के नेता व सचेतक बनाए गए जितेंद्र आवाड को अपात्र घोषित करने का आवेदन विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। अजीत पवार ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद कहा, देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। अजीत पवार ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर दौरे के कारण मंत्रियों के विभागों की घोषणा तत्काल नहीं की जाएगी। दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आगवानी करने गए हैं, वहां जा रहे हैं। राष्ट्रपति मंगलवार शाम को नागपुर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कुछ सदस्यों के नाराज होने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने मिलकर काम करने का फैसला किया है, असंतोष का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं शिवसेना गुट के विधायक भरत गोगावले ने कहा, अजीत गुट के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा, हमें एक रोटी मिलनी थी लेकिन अब आधे में ही काम चलाना होगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार दोपहर करीब 12 बजे दक्षिण मुंबई में सरकारी बंगला नंबर A5 में नए दफ्तर का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कार्यकर्ता 11 बजे ही पहुंच गए। दरवाजा बंद था। PWD विभाग के कर्मचारी का इंतजार किए बिना बारिश में भीगने से बचने के लिए कार्यकर्ता दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। कैबिनेट की बैठक के बाद अजीत ने कार्यालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र एक साल बाद राजनीतिक उठापटक को लेकर फिर से चर्चा में है। जिस तरह एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिवसेना में दोफाड़ कर दी थी, ठीक उसी तरह एनसीपी नेता अजीत पवार अब शरद पवार से अलग हो गए हैं। साथ ही वो अब पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पार्टी पर अपने अपने दावों को मजबूत करने के लिए शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे को कमजोर भी करना शुरू कर दिया है। एक और जहां अजीत पवार एनसीपी के 18 विधायकों को साथ लेकर पाला बदल गए और शिंदे बीजेपी सरकार में 9 मंत्री शामिल भी हो गए, अब दावा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी के करीब 36 विधायक हैं। ये संख्या एनसीपी की मौजूदा स्ट्रेंथ से 2/3 से भी ज़्यादा है। एनसीपी के पास अभी 53 विधायक हैं। वहीं शरद पवार ने पार्टी में टूट के बाद कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। इसके अलावा अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए क्षेत्रीय महासचिव शिवाजी राव गर्जे, अकोला शहर जिलाध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई डिवीजन के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। वहीं इस एक्शन के बाद अजीत पवार ने सुनील को एनसीपी की नई टीम का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। वहीं अनिल पाटिल को चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया गया। अजीत गुट के लिए एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर कब्जा कर पाना इतना आसान नहीं होगा। नियम के मुताबिक दोनों गुटों को खुद को असली एनसीपी साबित करने के लिए विधायकों और सांसदों का बहुमत हासिल होना जरूरी है। केवल बड़ी संख्या में विधायकों का सपोर्ट हासिल होने भर से पार्टी पर किसी का अधिकार साबित नहीं हो जाता। चुनाव आयोग सांसदों और पदाधिकारियों के समर्थन को भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेगा। महाराष्ट्र में अभी कुल 53 विधायक हैं। नए समीकरण के हिसाब से अजीत पवार का दावा है कि उन्हें 36 विधायकों का समर्थन हासिल है। हालांकि चर्चा है कि अजीत के साथ अभी कुल 25 विधायक है, जबकि 13 विधायक शरद पवार के खेमे में है, जबकि 15 विधायक ऐसे हैं जिनका स्टैंड अभी साफ नहीं हो पाया है। नियमों के तहत देखा जाए तो शरद पवार की स्थिति कमजोर दिख रही है। हालांकि शरद पवार अब भी पार्टी अध्यक्ष हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले भी उनके साथ हैं, जबकि अजीत पवार के साथ जो नेता हैं उनमें एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। इस स्थिति में शरद पवार के पास पार्टी को लेकर ज़्यादा ताकत है। हालांकि अभी पदाधिकारियों और सांसदों की स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कितने किसके साथ हैं। वैसे सांसद सुनील तटकरे अजीत गुट के साथ हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें,
वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।